यदि एक ट्रैक्टर खेत में काम करने का 1 घंटे का 750 रुपये लेता है तो फिर 35 मिनट का कितना लेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग खेतों में और भी जगह पर हम ट्रैक्टर से वर्किंग कराते हैं तो वहाँ घंटे के हिसाब से पैसा लगता है। तो यहाँ 1 घंटे का देखिए कितना लग रहा है, ये 1 घंटे का लग रहा है 750 रुपये और हम लोगों को निकालना है 35 मिनट का। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एकिक नियम से, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि कैलकुलेटर से हम फटाफट अपने आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दिया क्या है, 1 घंटे का 750 रुपये। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 घंटे का कितना है, 750 रुपये। ठीक है इस तरह से। तो देखिए यहाँ 1 घंटे का 750 रुपये लग रहा है और यहाँ पर देखिए मिनट है, क्या है ये, तो हमें अपने इस घंटे को भी मिनट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 घंटे का लग रहा है 750, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ मिनट में बदल लिया है, ये 60 मिनट के भी कितने होंगे, 750 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एकिक नियम होता है यानी कि यूनिटरी मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी यहाँ पर हिसाब बताया जाता है हम पहले एक का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 मिनट का निकालेंगे और 1 मिनट का यहाँ कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो जब 60 से इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट करके यहाँ 1 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गए, यहाँ आ गए 75/6। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 75 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 1 का 6, यहाँ 1 बचा, 5 यहाँ लिख लेंगे, 6 2 12, यहाँ 3 बचा। अब देखिए नहीं इसके आगे है अंक कोई, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 5 23, इस तरह से हमारा इतना आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट का लगेगा 12.5 रुपए। मतलब कि अगर इसको और अच्छे से देखा जाए तो 12 रुपए और एक ही अंक होता है, तो 1 0 अपने से लगाकर पैसे बोलते हैं 50 पैसे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमें निकालना है 35 मिनट का, तो जब 1 मिनट का हमको मिल गया है पैसे, तो अगर हमें 35 का चाहिए तो हम यहाँ 35 का दोनों ही तरफ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 35 मिनट का ये कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आया था 12.5 यहाँ आया हुआ था, यहाँ 12.50 है, इसमें हम गुणा करेंगे किसका, 35 का। ठीक है और फ्रेंड्स हम लोग गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हमें 12.50 में 35 से गुणा करना है, तो चलिए फ्रेंड्स गुणा कर लेते हैं, 5 का 0 में करेंगे, 0 5 5 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 2 10 और 2 12 हासिल लगा, 1 5 1 का 5 और 1 6। फिर यहाँ पे 3 का करेंगे तो यहाँ पर हम 1 छोड़कर करते हैं इसी के ठीक नीचे से, तो 3 का 0 में करेंगे तो 0 3 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 2 6 और 1 7 और 3 1 का 3। इस तरह से अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए 0 5 का 0 जोड़ेंगे तो 5 5 और 2 7, 7 और 6 13 और हासिल लगा 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर चूंकि 2 अंक पर पीछे से दशमलव है तो हम भी 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है, 1 मिनट का अगर देखा जाए तो 12.50 रुपये हो रहे हैं, और अगर 35 मिनट का किए देखा जाए, ये हमारा आंसर आया है 437.50, यानी कि 437 रुपये और 50 पैसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेटर से हम इसको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों में यही डिफरेंस है और इसको आपको अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना चाहिए कि अगर एक एक नियम से हम कर रहे हैं तो इसमें जो चीज़ हमें पूछा गया है, दोनों जो चीज़ हमें पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 35 मिनट पूछा गया है, तो
जो भी हिसाब हमें बताया गया है उसमें यही वाली मात्रा हम आगे लिखते हैं। यानी देखिए 35 मिनट पूछा गया, तो जो समय वाला है, समय का पूछा गया है तो समय वाला पहले लिखकर हम हल करेंगे, एक का निकालेंगे, फिर जितने समय का पूछा रहेगा उतने समय का निकालेंगे। लेकिन 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 फ्रेंड्स, जब कैलकुलेटर में करना है तो आपको ये सोचना है कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। यानी कि जो भी हम कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कितना, यानी कितना रुपया, यानी रुपया हम लोगों का लास्ट में कैलकुलेटर में आएगा। तो जो भी हिसाब बताया गया है उसका हमें रुपया ही सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। यानी जो भी हिसाब बताया गया है, हिसाब का रुपया सबसे पहले आप एंटर कर दीजिए, इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहां पर हम समय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें पूछा गया, जैसे मिनट में पूछा गया है, तो आप इसको समय को जो है मिनट में ही बदल लेंगे। ठीक है, और यहां पर गुणा करेंगे वांछित समय से, यानी जितने भी टाइम का आपको चाहिए वांछित समय का यहां पर आप गुणा करेंगे। और ये भी किसमें होना चाहिए? मिनट में ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए घंटे के हिसाब से आपको बताया गया, अब मान लीजिए एक घंटे से ज्यादा है, मान लेते हैं कि एक घंटे 45 मिनट हो गया, दो घंटे 30 मिनट हो गया, इस तरह से हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आप अपने जो भी घंटे वाला समय, यहाँ 60 आप एंटर कर दीजिए, चूंकि घंटे के ही हिसाब से बताया जाता है। और यहाँ पर भी जो आप समय, यहाँ पर जो भी आपको निकालना है उसको भी आप मिनट में चेंज करके ही रख लेंगे। ऐसा करने पर फटाफट से फ्रेंड्स आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो हिसाब बताया गया एक घंटे का 750 रुपये, चूंकि हमें रुपए ही निकालना है, लास्ट में हमारा कैलकुलेटर में जो आएगा रिजल्ट रुपए ही आएगा, तो इसके लिए हम दोनों में से रुपए को सबसे पहले एंटर कर देते हैं 750। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब 750 रुपये में कितने? एक घंटे। ठीक है, तो अब एक घंटे तो है, लेकिन हमारा यहाँ पे शर्त ये है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो मिनट में पूछा गया है तो इसको भी हम मिनट में चेंज कर लेंगे, मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ पर हम 60 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ गुणा लगाएंगे। अब जितने भी मिनट का हमको चाहिए वो जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 437.5। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों का जीरो भी आया था, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो अगर होता है तो उसको कैलकुलेटर शो नहीं करता, उसको हमें अपने खुद से समझना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के आगे रुपए होता है, तो दशमलव के बाद अगर एक ही अंक है तो जीरो बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएंगे 437.50। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ट्रैक्टर का हिसाब आसानी से कर सकते हैं।